अपने डे टू डे लाइफ में अपने कामों को तो मैं इम्पोर्टेंस देती हूँ, बट उससे ज़्यादा जो है अपने साथ साथ अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी फिटनेस को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहती हूँ, और अपनी ही नहीं पूरी फैमिली की डाइट, उनकी फिटनेस को लेकर काफ़ी कंसर्न रहती हूँ, और स्पेशली श्रीमान जी की सेहत को लेकर, जो ना हेल्थ को लेकर मैं ज़्यादा कंसर्न रहती हूँ, क्योंकि वो डायबिटिक हैं और उनके लिए जो है हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुबह सुबह श्रीमान जी को जो है लगा देती हूँ मैं यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए, ताकि जो है वो फिट रहें, और साथ ही साथ उनके पूरे खाने पीने का, डाइट का, कब उनको क्या देना है क्या नहीं देना है, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं बिल्कुल ध्यानपूर्वक करती हूँ, ताकि वो फिट रहें, क्योंकि भाई वो घर का आधार हैं, और जेंट्स के बिना एक जो लेडीज़ है ना उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो जो सारे परिवार का ख्याल रखता है उसका ख्याल रखना ना मेरी मॉरल ड्यूटी है, मेरी जो फर्स्ट ड्यूटी है वो है। तो अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का, अपने लाइफ पार्टनर की हर एक चीज़ का ध्यान रखना ना एक वाइफ का पहला जो है कर्तव्य बनता है। और भाई खाना तो हम डेली बनाते हैं, और बच्चों का कभी कभी फास्ट फूड खाने का मन भी कर जाता है, वैसे फ़ास्ट फूड होते तो अच्छे नहीं है बिल्कुल भी, पर हाँ अगर कहीं आप हफ्ते में एक आध बार खा लेते हैं तो उतने नुकसानदायक नहीं होते। तो कभी कभी मैं बच्चों के लिए फ़ास्ट फूड भी बना देती हूँ, अदरवाइज़ जो है मैं बहुत ही पौष्टिक खाना जो है बच्चों के लिए प्रेफर करती हूँ, पौष्टिक से पौष्टिक खाना बच्चों को दूं, ताकि वो जो है ना बिल्कुल हेल्दी रहें। और आज जो है मैं अपने जो खाने में है वो बना रही हूँ, कटहल की सब्जी, जो कि ऋषि का फेवरेट है और श्रीमान जी का भी फेवरेट है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है इसके अंदर जाती है, एक आयुर्वेदिक मतलब कि सब्जी आप इसको बोल सकते हैं। और कुछ सब्जी को आज मैंने अलग से तरीके से बना रही हूँ, थोड़ी सी इसमें इमली ऐड कर रही हूँ, वैसे इमली भी सेहत के लिए उतनी अच्छी नहीं होती, पर कभी कभी हम इन चीज़ों को थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएं तो फिर बच्चे और चाव से खाते हैं, और साथ में मैं इसको खट्टी मीठी बना रही हूँ, तो इसमें थोड़ी सी शक्कर भी मैंने ऐड कर दी थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी, होप अच्छे होंगे। तो बस देखिए अभी मैं हो गई हूँ स्कूल के लिए रेडी, और अभी जा रही हूँ बस किचन में चपातियाँ लगाने के लिए। सब्जी सुब्जी मैंने बना दिया, साफ़ सफाई सब कुछ, क्लीनिंग वगैरह का जो भी काम है ना बस वो हो गया है। वहाँ सामने जो बर्तन है वो दूध के बर्तन जो है श्रीमान जी और ऋषि के पड़े हुए हैं, बस अब इनको ले जाऊँगी साथ में उठाकर, और चलती हूँ जल्दी जल्दी से रोटी बनाती हूँ और फिर चलते हैं। और ये देखिए भाई हमारे जो बच्चे हैं ना 10th क्लास के बहुत कम आए हैं, क्योंकि आजकल जो है बारिशें हैं और रोड ख़राब है, और इसलिए बच्चे नहीं आ रहे। क्यों भाई इसलिए नहीं आ रहे हैं? है हाँ, तो उनको बाकियों को भी फ़ोन करना कि भाई जल्दी आएँ, हमारी कक्षाएँ जो है चालू हो गई हैं। क्या नाम है? दो ही आ रहे हैं भाई, देखिए सभी क्लासेस में तो बस ये हो जाती ना ठीक। और ये देखिए इस क्लास में भी दो ही बच्चे हैं। बारिश की वजह से स्कूल बस जो है नहीं आ पा रही, एक्चुअली रोड जो है पूरी तरह से ब्लॉक हैं, टूट गए हैं, वहाँ से बसेस हमारी नहीं निकल पा रही हैं, इसलिए ना पूरे मतलब 5 जुलाई तक जो है ना सभी स्कूलों की स्कूल बसेस बंद थे। तो ये तो सराउंडिंग के सिर्फ इक्का दुक्का बच्चे आते थे, बाकी की तो ऑनलाइन क्लासेस ही लग रही हैं। ये पार्किंग एरिया है, ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, और सड़कों की हालत तो आप खुद देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बसेस भी ऐसे जुओं की तरह रेंग रेंग के चलती हैं। हो गया मैडम जी बैग पैक, हो गया बैग पैक, मैं जाने की तैयारी हो गई। कर लो भैया अपने बैग पैक सभी, हो गई ममता मैम भी हो गए भाई रेडी। छुट्टी होने को लास्ट 5 मिनट बचे हुए थे, तो बस हम जो है अपने अपने बैग्स पैक कर रहे थे, तो मैंने भी अपना स्लिंग बैग निकाल लिया था, एंड उसमें अपना जो भी सामान था डालने वाला, जैसे स्पेक्स हो गए, मेरे फ़ोन हो गया, वो सारी की सारी चीज़ें हमने रेडी कर ली थी, और अपना जो लंच पैक है वो भी मैंने रेडी कर लिया है। तो बस मेरी तो हो चुकी है पूरी की पूरी तैयारियाँ। ये देखो धीरे धीरे सारी मैडमें जो है अब आ रहे हैं, क्योंकि छुट्टी होने वाली है। अब टुलकती हुई आ रही है, टुलकती हुई सबसे ज्यादा टुलकती तो अनीता मैडम ही है। आज दिन नहीं ऐसा, बच्चे भी नहीं है स्कूल में, क्या टुलकना ही है फिर यार, सौर क्या मैम फिर उबली उबली नहीं, क्या आलू बने की पतरोड़े
ਕੋਇਨ ਵੀ ਲਗੀ ਕੋ ਪਣਾ ਤੇ ਤੈ ਕਾ ਥੇ ਰੋ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਾ ਪਰੇ ਹੱਥ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਰਹੀ ਜੋ। बच्चों के बिना स्कूल की कल्पना तो हम कर ही नहीं सकते। और ये जो पूरा वीक था ना जिसमें बच्चे नहीं आए थे, हम लोगों ने कैसा काटा वो हमारा दिल ही जानता है। इतने बोर होते हैं ना बच्चों के बिना स्कूल में, पूछो मत। वैसे तो जो बच्चे स्कूल में आते हैं उनकी हम क्लासेस लगाते हैं, साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी लगाते हैं, बट जो मज़ा सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाने में होता है ना, वो मज़ा वैसा नहीं आ रहा था। एकदम हम बोर हो गए थे। तो फ्रेंड्स, अब हमें हो गई है छुट्टी और अब हम चल पड़े हैं घर। और आज मैं और रमा मैम ही है साथ में, और बाकी सारे जो हैं हमसे पहले जा चुके हैं। और रास्ता यहाँ बहुत ज़्यादा खराब है, सबके नीचे मंदी हो रही। अच्छा, लॉलीपॉप ये देखो मैडम जी, लॉलीपॉप खा रही है। कल्ली कल्ली जाइए आई वैष्णो देवी, दो या जनिया बच्चा पूछा ही हूँ, तुम दूँ जोता कहाँ नहीं आंधी। तो बोलना था, मैं बोल रहा नहीं भाई, कल ट्रिप बनाएंगे इकट्ठा। तो रास्ते पे चलते चलते भी हमारा हंसी मजाक जो है चला रहता है, और बीच बीच में अपनी लोकल बोलना ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और साथ साथ में मौसम तो आज काफ़ी जो है अभी ठीक था सारा दिन, बट ख़राब हो गया। और उसके बाद फिर हम आ गए हैं यहाँ देखिए शॉप में। तो मुझे किचन के लिए कुछ सामान लेना था, तो मैं और मैम जो है यहाँ पर आ गई हूँ। बहुत ही अच्छा जो सामान है ना वो मिलता है। मैं मोस्टली जब भी मुझे किचन के लिए कुछ भी सामान लेना होता है ना तो मैं इसी शॉप में आती हूँ। तो अभी हम लोग आए थे तो यहाँ पर अभी शॉपकीपर नहीं है, तो उनको बुलाने के लिए हमने जो है भेजा हुआ था। हाँ, तो देखते हैं शॉपकीपर कितने टाइम में आता है। तो जो भैया थे ना शॉप वाले, वो जल्दी आ गए थे, और बस अब उनसे जो है मैं पूछ रही थी कि मुझे जो लंच बॉक्स था उसका ढक्कन चाहिए था, एंड साथ में मुझे कुछ लंच बॉक्स देखने थे ऋषि के लिए। तो भैया ने मुझे कुछ इस तरह के लंच बॉक्स दिखाए, पर अभी फाइनल मेरा नहीं हुआ है। मैं फिर ऋषि को पूछ के डिसाइड करूँगी उसे क्या चाहिए। तो जो मुझे वहाँ से सामान चाहिए था बस उसको लेकर मैं आ गई हूँ घर वापस। और आने के बाद जो है ना सबसे पहला जो रहता है, आती हूँ और यहाँ अपना जो भी सामान साथ लेकर आती हूँ उसको, ये जो टेबल है उसके ऊपर रखती हूँ, अपने पर्स को वहाँ पर रखती हूँ, और यहाँ ये एक चेयर मैंने लगाई होती है परमानेंट अपने लिए, तो यहाँ पर बैठती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। और पानी तो मैं यहाँ पर सुबह ना इस लोटे में भर के जाती हूँ कि जब भी मैं स्कूल से आऊँ तो मुझे खाली लोटा ना मिले, और पानी इसी लोटे में, तांबे के लोटे में रखा होता है। तो बस आने के बाद थोड़ा सा सुस्ताने के बाद जो है एक गिलास पानी का पहले अपने लिए लेती हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा सुस्ताने के बाद ना पानी वगैरह हो गया, थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो है जो जो एसेसरीज मैं कैरी करके ले जाती हूँ ना स्कूल, उन सभी चीज़ों को जो है मैं यहाँ पर बस खोल के यहाँ रख दूँगी। जो भी अपनी वॉच है, जो भी अपने मंगलसूत्र है, और जो कुछ भी मैं लेकर जाती हूँ ना वो सारा। और देखिए तब तक ऋषि भी आ गया था, ऋषि अपने दूसरे रूम में था और अब इसको करना था लंच। तो बस ये जो है अपनी जो एसेसरीज मैंने यहाँ पर रखी थी उनको उठाकर उनकी जगह पे रख दूँगी, और उसके बाद जो है फिर ऋषि के लिए जो है ना मैं लंच जो है गरम करके उसको दूँगी। और ये देखिए हाय हेलो आपको ऋषि भी बोल रहा है। तो ये आज थोड़ा सा जल्दी आ गया था कॉलेज से और इसने आज लंच नहीं किया है, और बस इसको मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर जो है ना लंच दे दिया। इसने सैलेड वगैरह काट दिया था और लाइट नहीं थी तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने फटाफट खा लिया था खाना। और ऋषि को देखिए ये छोटा सा जो हैंड हाथ से चलाने वाला पंखा था ना उससे जो है हवा लगा रही थी ताकि ये जो है आसानी से खाना खा सके, नहीं तो बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी जो है ना यहाँ पर पड़ रही है, और साथ साथ में हमारी गपशप भी। और जितना बस जो भी टाइम होता है ना स्कूल से आके जिस जिसके लिए डिवाइड किया होता है, थोड़ा थोड़ा टाइम उसको देने के बाद फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। तो अभी का जो टाइम रहता है ना हमारा लंच के साथ का स्कूल से आने के बाद, ये देखिए कितना पसीना इसको पड़ रहा है, उसमें हम अपनी गपशप भी कर लेते हैं, कॉलेज में क्या हुआ स्कूल में क्या हुआ वो डिस्कस भी कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम अपने अपने कामों में जो है ना लग जाते हैं। तो समर्पण के लिए कुतिया समर्पण नहीं कुतिया समर्पण सरस्वती विद्या मंदिर हाँ सर स्कूल तनी छूता चलेगी रा ठीक है ले जाओ तो सुबिलिया है सौगी सौगी। तो ये जा रहे हैं देखिए श्रीमान जी अभी समर्पण के लिए।
ऋषि और श्रीमान जी दोनों जो है जा चुके थे यहाँ से, संघ के कार्यक्रम यानि कि समर्पण का कार्यक्रम था उसके लिए। तो उसके बाद मैं आज स्कूल से ही डिसाइड कर आई थी कि मेरे पास एक बॉक्स है चॉकलेट का, तो आज मैं उसका कुछ ना कुछ DIY ज़रूर बनाऊंगी। और मुझे एक ऑर्गेनाइज़र की भी आवश्यकता थी, तो मैं सोचती हूँ कि कोई भी चीज़ें हम जो है बाहर से खरीद के ना लाकर अपने घर पर ही बनाएं तो वो देखने में भी अच्छी लगती हैं, और हैंडमेड चीज़ें होती हैं उनसे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, और साथ साथ में हमारे बहुत से पैसों की बचत भी हो जाती है। और नो कॉस्ट ये हमारे ऑर्गेनाइज़र बन जाते हैं जो कि देखने में भी सुंदर लगते हैं, और बहुत सारा सामान हमारा इनके अंदर स्टोर भी हो जाता है। तो ये एक चॉकलेट का डब्बा है जिससे मैं एक DIY क्रिएट कर रही हूँ, एक ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ जो कि ट्रांसपेरेंट है। जो भी चीज़ हम इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर रखेंगे वो दूर से दिखेगी भी, और एक काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइज़र है, और बहुत सारा मेरा जो सामान यहाँ वहाँ पड़ा रहता है ना वो इसके अंदर जो है आने वाला है, और मेरा जो सेल्फ है वो बहुत ही अच्छी सी जो है ना इससे होने वाली है। तो मैंने जल्दी से जो है 5 मिनट की मेहनत में ये ऑर्गेनाइज़र बना दिया, और इसमें खर्चा भी मेरा कुछ भी नहीं आया। 2 रुपये का गुड्डी पेपर लगा हुआ है और ये खाली जो डब्बा है, और इस तरह का सामान मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और चलिए फिर हम लोग आप लोगों से मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।